दोस्तों जर्मनी के एक मशहूर मुस्लिम खिलाड़ी ने मसूद उजेल जिनका नाम है स्टेडियम में कुछ ऐसा कर दिखाया कि वहां बैठे लोग भी हैरान रह गए। तुर्क मिजाज जर्मन फुटबॉलर मसूद उजेल ने बर्तानिया में होने वाले फुटबॉलिंग मैच के एक सामने वाली टीम के सपोर्टर मसूद उजेल के सामने एक रोटी का टुकड़ा फेंक देते हैं और रोटी का टुकड़ा मसूद उजेल के सामने आकर गिरता है। मसूद देखकर रुक गए और आगे बढ़कर रोटी के टुकड़े को उठाया और चूमा और माथे से लगा लिया और बड़े ही एहतराम के साथ एक कोने में साइड में रख दिया। मैदान में बैठे लोगों ने पहले तो ये बात समझ न सके उजेल ने ऐसा क्यों किया, लेकिन बाद में वजाहत के बाद लोगों को ये बात समझ में आई कि इस्लाम के मुताबिक ये अमल किया गया है, क्योंकि दोस्तों दीनी इस्लाम में रिस्क की बड़ी अहमियत आई है और इसकी फिजूल खर्ची और बर्बादी को बड़ा गुनाह बताया गया है। मसूद उजेल की ये वीडियो दुनिया भर में वायरल हुई है। दुनिया का ये एक मैसेज इस्लाम देता है कि इस्लाम में रिस्क की क्या अहमियत है। दोस्तों मसूद उजेल के बारे में यह कहा जाता है कि वो हर मैच से पहले कुरान पाक की तिलावत करते हैं और दुआ मांगते हैं। वो मैच के पहले कुरान करीम पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं और रमज़ान में रोज़ा रखते हैं। 2016 में उन्होंने उमरा की शहादत हासिल की।